बोलिए भारत माता की। अरे ऐसे थोड़ी होता है कोई, पीछे तक अब इतना बड़ा है, अभी मैं देख रहा हूं कुछ बसें तो आ ही रही हैं। इसलिए पंकज जी यही है, वो जिनकी व्यवस्था भी है साथ, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा लगना चाहिए कि आज जयपुर के अंदर हमारे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी का पदभार ग्रहण कार्यक्रम है, इसलिए लगना चाहिए जोर से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में जिनका कि आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, आज हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सम्माननीय हमारे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लड़ा और इतने बड़े प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम जिनके नेतृत्व में किया, ऐसे सम्माननीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे बीच में, अभी आप जिनको सुन रहे थे लगातार दो बार मुख्यमंत्री रहने का, और आज हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही हैं ऐसी माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी जो लगातार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं, ऐसी विजय राठकर जी, हमारी डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे केंद्र में कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी, और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ऐसे अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, और जिन्होंने लंबे समय तक विधानसभा के अंदर लगातार 7 बार रहने का काम किया है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री हमारे राज्यवर्धन राठौड़ जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, राजेंद्र गहलोत जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, कनकमल कटारा जी, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद नारायण पंजारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी, सी आर चौधरी साहब, सरदार अजय पाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धादी जी, ज्योति मिर्जा जी, दामोदर अग्रवाल जी, मोतीलाल मीणा जी, जितेंद्र कोटवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, ओम प्रकाश भड़ाना जी, नार सिंह जोधा जी, और श्रीमती संतोष अहलावत जी, और मेरे सामने बैठे हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, और मंच पर विराजे जिनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता है, ऐसे हमें हमारे सभी साधु संत उनके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और राजस्थान के कोने कोने से आए वो कार्यकर्ता जिनसे मन में जो भाव और उत्साह होता है, जिस विचार और संस्कार को लेकर के चलने वाले, गांव गांव ढाणी ढाणी से आने वाले मेरे मोतियों से भेंगे मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी का मैं यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आज का हमारा यह कार्यक्रम माननीय हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का कार्यग्रहण का कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में मुझे पता है जिस तरह का मैं दृश्य देख रहा हूं, जिस तरह का मैं पीछे तक कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के मन में जिस भाव और उत्साह के साथ आप मदन जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप आए हैं,
मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप गांव गांव ढाणी ढाणी से आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। मुझे ये भी पता है, क्योंकि आपके साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है। मैं एक एक मंडल के कार्यकर्ता, एक एक जिले के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और आप जो मन में ठान लेता है, जो पूरा करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता, मैं आज के मौके पर आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, आज देश में जिस तरह से 2014 के पहले का वातावरण देश के अंदर था, आपने देखा होगा, आए दिन भ्रष्टाचार होता था, आए दिन आतंकवाद, नक्सलवाद, जिस तरह की स्थिति देश के अंदर पैदा थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो परिवर्तन देखा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये हुआ है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। और राजस्थान में सरकार बनी है और देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, वो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, हमने कहा था चुनाव से पहले कि आप लोगों के साथ लगातार यात्राएं हुई थी, आपने हमारी वो यात्रा भी देखी होगी जिसमें गांव गांव ढाणी ढाणी हमारे सभी कार्यकर्ता गए थे। वो कार्यकर्ता गांव गांव ढाणी ढाणी रथ के साथ गए थे। आपने जो उसमें समस्या के लिए जो पेटी में पेट का थी, उस पेटी में जो आपने समस्याएं डाली थी, वो प्रदेश के अंदर आई थी, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन समस्याओं को भी देखा था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को लगभग 7 महीने हुए हैं, लेकिन 7 महीने में आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग जिस तरह से कहते थे, और हमने जिस तरह से सड़क पर माननीय सतीश जी के नेतृत्व में और माननीय सीपी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन किया था, आपने देखा होगा, आप ही वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस को जवाब देने का काम किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके भ्रष्टाचार को विरोध किया, और युवाओं के जो सपने कुचलने का काम किया, उसका भी विरोध आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने जिस तरह से वायदा किया, हमने जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हमने वो एक एक संकल्प पत्र पूरा करने का काम प्रारंभ किया है। और आपने देखा है कि हमने हमारे 7 महीने के कार्यकाल में 45% से ज्यादा उन संकल्प पत्रों को पूरा करने का काम हमने किया है। मैं आज आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सब लोगों गांव ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, आपने हमारा पहला बजट देखा होगा, हमने जो वायदे किए थे और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हमसे कहा था, वो हमने आपके बीच में करके दिखाया है। हमने वो आमजन की समस्या जिनसे आमजन त्रस्त था, 5 साल आपने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष की इबादत के कारण हम कह सकते हैं कि आज 5 साल में जो इबादत आपने लिखी थी, उसका परिणाम धीरे धीरे आपको मिल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं, आज हमने जो बजट दिया है, हमने जो घोषणाएं की हैं, वो एक एक आपके सामने है। हमने कहा था कि युवाओं के साथ धोखा देने वाली उस सरकार को हम किसी भी तरह से उन पेपर लीक वालों को नहीं बख्शेंगे। हमारे 15 दिसंबर को सरकार गठन हुआ था और 16 दिसंबर को हमने एसआईटी गठित करने का काम किया, और आज 115 से ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं, और आने वाली स्थिति अभी आपने देखा होगा, विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था, मछली तो पकड़ ली, अभी मगरमच्छ बाकी है। मैंने कहा चिंता मत करिए, वो मगरमच्छ भी जल्दी आने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होने वाले हैं, तो आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि जनता के बीच में हमारा कार्यकर्ता जाता है या हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारी सरकार
हमारा चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे जिले का कार्यकर्ता हो, मोर्चों का कार्यकर्ता हो, जनता के बीच में जिस अच्छे काम को लेकर के गया है, अगर जनता में कह करके आया है तो सामने हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं और आप हमारे सभी पदाधिकारी भी बैठे हैं, आप जो कह करके आए हैं उस काम को हमारी सरकार पूरा करेगी, पूरा करेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने बजट के अंदर जिस तरह की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो काम किया है, हमने वो काम किए हैं जो 10 साल और 15 साल से नहीं थे और कांग्रेस की सरकार ने उन कामों को नहीं किया। चाहे हमारी ERCP की योजना है, जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है, या हमारा यमुना जल समझौता हो, या बिजली के क्षेत्र में हमारे 2,25,000 करोड़ रुपए का हमारा समझौता हो, वो भी हमारा जल्दी काम प्रारंभ होने वाला है। आपसे हमने जो वायदे किए हैं उन वायदों को भी पूरा करेंगे। आपने कहा था, आप कह रहे थे कि युवाओं की भर्ती कैसे होगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आज के आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, जिन युवाओं ने सपने देखे थे, कांग्रेस ने उस सपनों को चकनाचूर करने का काम किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस के लोग कह रहे थे आप 1,00,000 युवाओं की भर्ती एक साल में कैसे कर देंगे, अरे आप देखते जाइए, ये तो 1 साल में 1,00,000 है, हमने 5 साल में 4,00,000 नौकरियों के लिए कहा है। हम आज भी आपसे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, जो हमारी सरकार ने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग गांव गांव ढाणी ढाणी से आते, आपको एक एक कार्यकर्ता के बारे में आप जानते हैं, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनको धरातल पर ले जाने का काम आप सभी को करना है, हमारे कार्यकर्ता का दायित्व भी बनता है। आप सभी ने देखा है, क्योंकि आप जो मंच पर विराजमान हमारे जो नेतागण हैं, वो इसी कड़ी में से निकल करके आए हैं, इसी कड़ी में से निकल करके आए हैं। आप अगर देख लोगे, दामोदर जी से लेकर के यहां तक पूरे सभी जो बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता के बारे में आप जानते हो, आप पहचानते हो कि इन्होंने कितनी मेहनत के साथ काम किया है। मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं और बार बार मैं कहता हूं इस बात को कि यह भारतीय जनता पार्टी है और इस भारतीय जनता पार्टी में एक सिर्फ कार्यकर्ता और काम करने वाले कार्यकर्ता की पहचान होती है, ये आप विश्वास मानिए, ये दूसरी पार्टी कोई नहीं है। और वो मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये वो पार्टी है, आजादी के बाद 8-10 लोगों ने और उन 8-10 लोगों राष्ट्रवादी लोगों ने जिनका गठन किया था, और आज वो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी यह देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव आप जैसे हजारों कार्यकर्ता लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत बना है। आपने देखा होगा हमारी इस काम के लिए कितनी पीढ़ियां फूक गई, जिन लोगों ने घर बार कुछ नहीं बसाया वो लोग कितने थे, नीम की ईंट के अंदर वो लोग थे जिन्होंने इस पार्टी को विचार और संस्कार से सींचने का काम किया। आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी माथुर, स्वर्गीय हरिशंकर जी भावड़ा, स्वर्गीय भंवरलाल जी शर्मा, स्वर्गीय ललित चतुर्वेदी जी, ललित किशोर चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय रामदास जी अग्रवाल, स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल साहब और हमारे महामहिम राज्यपाल सम्मानीय गुलाब जी कटारिया, हमारी आदरणीय सम्मानीय वसुंधरा राजे जी, महेश जी शर्मा और अभी अभी हमारे राज्यपाल बने ओम प्रकाश जी माथुर, अरुण जी चतुर्वेदी, अशोक जी परनामी, मदन लाल स्वर्गीय मदन लाल जी सैनी, सतीश जी पूनिया, CP जोशी जी और अभी भागडोर 16वें अध्यक्ष के रूप में हमारे मदन राठौर जी संभाल रहे हैं। एक बार आपसे कहना चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ पीछे से माननीय मदन जी राठौर साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मित्रों, यह कड़ी चलती रहती है, कभी जिला अध्यक्ष के रूप में, कभी मंडल अध्यक्ष के रूप में,
कभी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, तो कभी प्रदेश के और जिले के मंडल के पदाधिकारी के रूप में, कभी मोर्चों के पदाधिकारियों के रूप में। और यह बदलती है और यह बदलने का क्रम है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, आज मदन जी राठौर के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़े, सरकार की योजनाओं को हम नीचे तक पहुंचाएं। हम एक प्रदेश के नागरिक होने का भी कर्तव्य हमें निभाना है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारी वो पार्टी है जो हम समर्पण भाव से काम करने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं। हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसे आवश्यकता हो सरकार की योजनाओं की, जिसे आवश्यकता हो, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको लाभ दे करके हमें आगे लाना है। मैं आप सभी से एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार, दोनों सरकार की योजनाएं जितनी हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे एक एक उस व्यक्ति को मिले, हमारे भाई को मिले, हमारे उस गरीब व्यक्ति को मिले, जिसको आवश्यकता है उसको मिले, इसकी हमें ठीक प्रकार से योजना बनानी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उस व्यक्ति के घर तक हम जाएंगे, उसकी दुआएं भी हम लेंगे। कई लोग हमारे ऐसे होते हैं जो करने को नहीं होता है उसकी यहां भरते हैं, लेकिन जो हम दे सकते हैं उसे दे नहीं पाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हम एक नागरिक होने के नाते, एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, हम उन सभी से जुड़ने का काम हमें करना है, क्योंकि पार्टी हमारी, हमारी राजनीति के अलावा हम सामाजिक सरोकार के काम भी हमारी पार्टी करती है। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 में उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता का काम अपने हाथ में लिया और लाल किले से स्वच्छता का काम प्रारंभ किया, और आज पूरे देश के अंदर स्वच्छता का काम हो रहा है। यही नहीं, ऐसा लगा देश के अंदर कि महिला और पुरुष के अंदर लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी आई है, तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके प्रारंभ किया था, और आज उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा प्रतिफल हुआ है। समानता जो थोड़ी ज्यादा थी वो कितनी कम हो गई है। और अभी आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम लगाना है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए एक पेड़ मां के नाम लगाना है। 7 अगस्त को हरियाली तीज है, 7 अगस्त को हरियाली तीज है, हरियालो राजस्थान हम मना रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान के हर जिले में कार्यक्रम है, हमारे डिपार्टमेंटों के माध्यम से, वन विभाग के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से और हमारे सभी विभागों के माध्यम से हम 1.25 करोड़ से ऊपर पौधा लगाने का काम 7 अगस्त को हरियाली राजस्थान के माध्यम से करने वाले हैं। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में है हमारे सभी मंत्रीगण वहां उस क्षेत्र में जाएंगे, हमारे विधायकगण हमारे क्षेत्र में रहेंगे, हमारे सांसद वहां क्षेत्र में रहेंगे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में वैसे भी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा राजस्थान में रेगिस्तान का एरिया ज्यादा है। आप सभी से मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, हम भी उस अभियान में एक एक कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चले और राजस्थान को पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए हरियाले राजस्थान के दिन 7 अगस्त को हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मुझे यहां से चौमू आउट चौराहा दिख रहा है वहां तक इतनी बड़ी संख्या है, आप राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी हर जिले हर मंडल से कार्यकर्ता आए हैं, आपके राजधानी में पधारने पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने के साथ साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और यही अंत में निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब एक विचार के लिए, एक संस्कार के लिए लड़ रहे हैं।
देश की प्रदेश की जनता किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करती है। अगर उसके मन में अगर कोई बात है तो वो यह है कि अगर इस राजस्थान का और देश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भला कर सकता है। इसलिए उनके अंदर यह विश्वास है, हमें वो विश्वास भी बनाना है और आम जन के बीच हमारी संवेदनाएं भी रहें। हर काम में हम उनके पास जाएं, हर काम में हम उनका सहयोग करें। हम इसलिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम उनको मिलकर के हम उस व्यवस्था परिवर्तन का भी काम करना है और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान भी बनाना है। यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे, पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।